तो दोस्तों, हमने पुराने वीडियो से लेकर के अब तक बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा है कि वीडियो कैसे शूट करना है, ऑडियो कैसे उसको सिंक करते हैं, कौन सा एप्लीकेशंस का प्रयोग करेंगे। यदि आप एक नए यूट्यूबर हैं, वीडियोस को बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो वो सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर से देख लेना। आज हम लोग सीखने वाले हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एडिटिंग का, और इसके जो बिना वीडियो की क्वालिटी है वो अधूरी सी लगती है और फीका फीका से देखने को लगता है। दोस्तों, हम लोगों ने वीडियो को शूट करना, एडिट करना, उसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोग छोटे छोटे क्रिएटिविटी को देखा है। लेकिन एक यदि आप एक फिल्म मेकिंग करते हो या अपने वीडियोस को डालते हो, तो आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं कुछ वहां पर कलर में चेंजिंग लाता हूँ एज ए एक्चुअल कलर में। आपकी जो एक्चुअल कलर होती है वो बेसिकली एक छोटा सा एक नॉर्मल कैमरा के द्वारा शूट किया जाता है कैमरा, और उसके अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन होता है वही है कलर। और हम क्या करते हैं, ये काइन मास्टर की मदद से उस सभी कलर्स को ग्रेड कर लेते हैं और एक अच्छा सा फिल्टर वगैरह दे करके एक नया कलर को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे जो कलर का जो इफेक्ट आता है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आता है और दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कलर ग्रेडिंग है बेसिकली फिल्म मेकिंग वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो सिनेमेटिक वीडियोस क्रिएट करते हैं, जैसे सॉन्ग बनाते हैं या कुछ ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कलर ग्रेडिंग को सीखने वाले हैं कि काइन मास्टर में किस प्रकार से हम कलर ग्रेड कर सकते हैं। हालांकि इसमें उतना फीचर नहीं दिया गया है जितना आपको एडवांस और प्रो वर्जन में देखने को मिल जाता है, बट इन बेसिक फंक्शन, जो बेसिक हमारे इफेक्ट्स हैं या फंक्शंस आप बोल सकते हो, इसकी मदद से हम बहुत सारे कलर्स को ग्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा सा जो है आउटपुट दे सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं आज की ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर बैकग्राउंड में एक फुटेज को ले लिया है। बेसिकली ये दो फुटेज है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप काइन मास्टर में इसका जो इफेक्ट है लगा करके आप कर सकते हैं। और भी तरीके हैं कलर ग्रेड करने के लिए, तो आप छोटा मोटा जो है दिमाग आप लगाइएगा तो आप ज़रूर से कर पाइएगा। तो यहाँ पे जो मेन इसका फीचर जो आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ कलर फिल्टर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे कलर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो इन कलर फिल्टर में जितने भी कलर हैं, ये सभी प्राइमरी कलर फिल्टर हैं, और इसका जो है ज़्यादा प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, खासकर सिनेमेटिक वीडियो के लिए। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, एक सिनेमेटिक वीडियो है, और इसमें आपको जो टोन देखने को मिल रहा है, बेसिकली एक येलोइश टोन है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने स्क्रीन से रीड मोड को जो है हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो है इसमें येलोइश टोन है, मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्रीनी टोन। तो यहाँ पे एक फिल्टर है जो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कुछ स्टेप का यहाँ पे जो है ग्रीनी टोन देता है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर सैंपल्स हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ग्रीनी टोन था, ये हमने दूसरा टोन यूज़ किया, ये हमारा ओरिजिनल है। तो एक तो होगा ये कलर वाली फिल्टर की बात। दूसरा जो है, सबसे पहले इसको हम लोग ओरिजिनल पर सेट कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग कलर को एडजस्टमेंट करके भी यहाँ पर ग्रेड कर सकते हैं। कलर के कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, उसके ब्राइटनेस को, इसके सेचुरेशंस को। दोस्तों, ये जो मेरा काइन मास्टर है, ये पुराना वाला वर्जन है। आप नया वाला जब वर्जन डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइक हाइलाइट्स को, शेडो को, ह्यू चेंज करना। तो ये सभी चीज़ें आपको नए वाले में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम इन चीज़ों से काम चलाते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार जो है एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रास्ट को भी आप यहाँ से जो है इंक्रीज कर पाएंगे, आप चाहें तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो यहाँ पे मैं एक डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से सेचुरेशन लेवल को आप बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस टाइप। और ये तो मैं इसको थोड़ा सा बूस्टेड दिखाऊंगा, तो मैं इसको 159 या 150 के अप्रॉक्स में रखता हूँ।
और जो दोस्तों दूसरा मेथड है वो है ब्लेंडिंग का यूज़ करके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक थोड़ा सा ग्रीनी इफेक्ट आए, तो मैं लेयर्स के ऊपर जाऊँगा, यहाँ मीडिया को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्ट करके एक वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे फिर मैं कलर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं देखता हूँ कोई ऐसा ग्रीन कलर जो दिखे, ताकि ये आप देख सकते हैं साइड साइड में ग्रीन कलर है। तो इस टाइप के कलर के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले ग्रीन को यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ से हम इस टाइप के ग्रीन को यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हो गया कि हमने हम लोगों ने ग्रीन कलर को यहाँ से एडजस्ट कर लिया। देखिए तो ये तो हो गया ग्रीन कलर। अब मुझे क्या करना है, इसको पूरा का पूरा यहाँ से फिल कर देना है, ठीक है। और इसको हम मुझे जहाँ तक ले जाना है, जहाँ तक मेरा वीडियो का ड्यूरेशन है वहाँ तक हम ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आना है आपको नीचे दोस्तों, ठीक है। यदि आप नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लेंडिंग का, राइट। तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आप जा करके यहाँ से आप ओवरले कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि जो कलर्स हैं वो कितने ग्रीनी दिख रहे हैं। आप चाहें तो इसके ओवरले को आप कम कर सकते हो, लाइक इतना ग्रीनी या इतना इतना। तो इस टाइप का आपको यहाँ से भी कुछ दिमाग लगा सकते हो। ग्रेडिएंट कलर आप चाहो तो पिक्सआर्ट से बना सकते हो, पिक्सल लैब से बना सकते हो, और यहाँ पे आकर के आज ये फोटो आप पोस्ट कर सकते हो। स्क्रीन यदि आप रखते हो तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है, यदि आप सॉफ्ट लाइट रखोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। हार्ड लाइट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लाइटन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, डार्कन में कुछ ऐसा और कलर बर्न में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है सॉफ्ट लाइट में रख रहा हूँ और इसकी जो थोड़ा सा ओपेसिटी है मैं वो कम करना चाहूँगा, करीब 85-86 के लगभग में। यहाँ से आप आकर के कुछ इसमें कलर एडजस्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आप ये जो आप लगाए हैं इसको कलर एडजस्ट कर रहे हैं, तो ब्राइटनेस को आप घटा करके बढ़ा करके यहाँ से आप कंट्रास्ट को बढ़ा कर घटा करके ये आप ग्रीनी वाली चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। आप सेचुरेशंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिकली एक वीडियो है। अब आइए दिखाते हैं आपको दूसरा एक मेरा पार्ट है वीडियो का, ये वाला। तो इसको भी हम ग्रीनी टाइप का बनाते हैं, तो सेम काम करते हैं। फिर से जाएंगे यहाँ पर लेयर्स पे और इसको भी हम लोग बैकग्राउंड में चूज़ करेंगे। एक यहाँ पे ग्रीन मेरे को दिखा, बट ऐसा ग्रीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए थोड़ा सा डार्क में और ये इस टाइप का ग्रीन। तो चलिए ऐसा ही बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइट ग्रीन। रेड मेरे को चाहिए नहीं, ब्लू थोड़ा सा बढ़ेगा तो ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा आगे। तो ये हो गया यहाँ से मेरा परफेक्ट। और यहाँ से फिर से हम जाएंगे पूरा का पूरा स्प्लिट स्क्रीन में, फुल स्क्रीन करेंगे। और इसका आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आएंगे। पहले इसका जो है कलर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, ब्राइटनेस को घटा बढ़ा, थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे लाइट मिल जाए और कंट्रास्ट बढ़ाने पर जो है चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ से हम सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ाकर लाइट कर दे रहे हैं ग्रीन को, और अगेन हम जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन सॉफ्ट लाइट, यस सॉफ्ट लाइट पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये हार्ड लाइट है और ये लाइट डार्क है, ये तो मैं रखूँगा सॉफ्ट लाइट, याद रखना, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं करीब 80-85% रखने वाला हूँ। तो यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं और एक बार प्ले करके आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का ग्रीन ग्रीन आपको देखने को मिला। और जैसे ही ये चीज़ें चेंजिंग होती है यहाँ से आपको उस कलर आपको देखने को मिलेगा, ये नेचुरल कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और भी आप चीज़ें लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। तो दोस्त ये थी आज की हमारे ट्यूटोरियल, जहां मैंने आपको बताया कि कलर ग्रेड किस प्रकार से किया जाता है। एज ए नॉर्मल कलर ग्रेड करने के लिए आपको काइन मास्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आप और भी बहुत सारे फिल्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं कलर ग्रेडिंग की तरह। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं काइन मास्टर में, तो वो सभी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां अलग से पिक्चर्स को वहां पर ऐड करके ब्लेंडिंग मेथड से भी हम लोग कलर ग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कैसे किस प्रकार से कलर ग्रेडिंग किया जाता है और इसका जो आउटपुट है कितना अच्छा आता है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। आने वाले बेल नोटिफिकेशन आपको जरूर से दबा देना ताकि
मेरे जितने वीडियोस आए आप सभी तक पहुंचता रहे। मैं दोस्तों बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं काइन मास्टर के बेसिक जो बोलते हैं इंट्रोडक्शन से या एडिटिंग से, वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे प्लेलिस्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन का जो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। कार्ड पर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। मुझे दीजिए आप इजाजत, नमस्कार।